उस आधार की जिस पर भगवदीय प्रेम का महल युग युगांतर तक स्थापित रखकर ईश्वरीय प्रेम मार्ग पर चलने वाले पथिकों का पथ प्रदर्शन करेगा। ये स्तंभ हैं भक्ति मंदिर, प्रेम मंदिर, कीर्ति मंदिर। यदि हम विचार करें तो किसी भी हिंदुस्तान की महिमा बस यूट्यूब चैनल दोस्तों, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। अगर आपने अभी तक मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के सबसे पहले आप पहला ब्लॉग देखिए, क्योंकि पहला ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप भी जाकर के देखिए और अपना प्यार दीजिए। और दोस्तों, ये सेकेंड ब्लॉग उससे भी ज़्यादा फाड़ू होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला, क्योंकि हम एक ऐसे स्थान पर जाने वाले हैं जहाँ का नज़ारा अद्भुत है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। तो चलते हैं, वहाँ का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे, क्या कैसे होने वाला सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू देखिए, आपको उम्मीद है बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए, आप फटाफट वीडियो का आनंद लीजिए, तब तक हम रेडी हो जाते हैं। तो रेडी होने के बाद डायरेक्ट मिलते हैं आपसे उसी स्थान। महाप्रभु ने इस संसार को भक्ति और प्रेम के वो स्तंभ दिए हैं जो संरक्षित करेंगे सनातन वैदिक परंपरा को और सृष्टि करेंगे उस आधार की जिस पर भगवदीय प्रेम का महल युग युगांतर तक स्थापित रखकर ईश्वरीय प्रेम मार्ग पर चलने वाले पथिकों का पथ प्रदर्शन करेगा। ये स्तंभ हैं भक्ति मंदिर, प्रेम मंदिर, कीर्ति मंदिर। यदि हम विचार करें तो किसी भी हिंदुस्तान की महिमा बस एक
80,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में बने कीर्ति मंदिर के निर्माण में नॉर्वे से आयातित एमरल्ड पर्ल ग्रेनाइट, इटली से मंगाया गया सफेद करारा मार्बल, राजस्थान का गुलाबी पत्थर उपयोग किया गया है। फिर से तो गाइस अभी हम लोग घूम टहल के आ गए हैं। वहां से देखा आपने बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था। अगर दोस्तों अगर ऐसा नज़ारा देखना चाहते हैं तो आप एक बार आपको उत्तर प्रदेश ज़रूर आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में ऐसा आपको अद्भुत नज़ारा देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले अगर मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा तो पहले ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जा करके पहला ब्लॉग ज़रूर देखिए। हम मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों ये मेरा सेकेंड ब्लॉग था और मैंने बहुत कुछ आपको दिखाने का प्रयास किया, वहाँ के अद्भुत नज़ारे भी दिखाने का प्रयास किया। तो मन में थोड़ा हेजिटेशन था, मन में थोड़ा सा डर लग रहा, खैर कोई बात नहीं, अगर आप लोग का प्यार अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता रहा तो वो सब कुछ भी दूर हो जाएगा। बस अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक करिएगा, और आपको कैसा लगा वीडियो अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ एक नए बेहतरीन स्थान पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल जरूर रखिएगा।